अब हम यहाँ पे पूरे सिस्टम का हम एक लेआउट डायग्राम देख लेते हैं, जो कि लेआउट डायग्राम हम देख लेंगे तो हमें तभी पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल हमें पढ़ना क्या है। तो हम देख लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा जनरेटिंग पावर प्लांट है, ये हमारा पावर प्लांट है, पावर प्लांट किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे हमने 10 टाइप के पावर प्लांट लिखे तो हाइड्रो भी पावर प्लांट हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है, या थर्मल भी हो सकता है, कोई भी पावर प्लांट हो सकता है। यहाँ पे ये साइन दिया मतलब ये पावर प्लांट कौन सा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी वो एसी सप्लाई क्रिएट होगी। ठीक है, कोई भी पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है वो एसी सप्लाई ही होती है, और उसमें भी कोई भी पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है वो 11 किलो वोल्ट के हिसाब से ही क्रिएट होती है। उसके बाद में हम जो जनरेटिंग पावर प्लांट है, उसके बाद में जस्ट 11 किलो वोल्ट क्रिएट हो गया तो यहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के यहाँ पे हम देख लेते हैं इस तरह से, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। क्या किया हमने, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इसका वोल्टेज बढ़ा दिया। 11 किलो वोल्ट का इसका इनपुट था और आउटपुट हमने मान लो कर लिया 220 किलो वोल्ट, और इसी को हम कहेंगे स्टेप अप, सबस्टेशन, इसी को हम कहेंगे स्टेप अप सबस्टेशन। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, इस साइड से कम टर्न है, इस साइड से ज़्यादा टर्न है, मतलब ये हो गया हमारा स्टेप अप सबस्टेशन। हम इस तरह से नीचे चल रहे हैं और ये हमारा है लेआउट डायग्राम इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि एक हमारा जनरेशन था, तो यहाँ पे हमारा जनरेशन डिपार्टमेंट था, तो यहाँ से हमारा हो गया अभी स्टार्ट कौन सा ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का मेन मोटो क्या है कि हमें हाई वोल्टेज करके सिस्टम को मतलब लाइन को आगे लेके जाना है, कहाँ तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया है, उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप, और उसी को हम कहेंगे स्टेप अप सबस्टेशन। और उसकी रेंज हमने क्या रखी, 11 किलो वोल्ट टू 220 किलो वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़े और यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर लगा दिया, अब इस डायग्राम को देख के आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सब स्टेशन। ठीक है, तो इसकी रेंज हमने क्या रखी, अब यहाँ तक तो 220 था तो यहाँ पे भी 220 आएगा, 220 किलो वोल्ट, और यहाँ पे 33 किलो वोल्ट। ठीक है, इसको हम प्राइमरी सब स्टेशन भी कहते हैं, और ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हुए आगे चल रहा है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम
प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन भी कह सकते हैं। उसके बाद में स्टेप डाउन करके हमने ट्रांसमिशन लाइन आगे बढ़ाई, तो इस लाइन को हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन भी कहते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक और हम ट्रांसमिशन एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे और वो ट्रांसफार्मर इस सिंबल को देख के आप बोल सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगेगा। तो ये लगेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, यहाँ तक तो 220 किलो वोल्ट का 33 किलो वोल्ट किया था। अब 33 तो इनपुट में, तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लगाया 33 किलो वोल्ट का, कन्वर्ट हम करेंगे 11 किलो वोल्ट में। अब यहाँ पे 11 किलो वोल्ट आ गया यहाँ तक, जिस तरह से इस ट्रांसफार्मर को हमने कहा था प्राइमरी सबस्टेशन, तो इस ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे सेकेंडरी सबस्टेशन। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि LA 33 किलो वोल्ट का इनपुट दिया था ट्रांसफार्मर को और आउटपुट हमें 11 किलो वोल्ट का मिला। जब हमारा आउटपुट 11 किलो वोल्ट का है तो हमें पता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रहता है कि जो कि हाई HT लेवल के जो कंज्यूमर रहते हैं, हाई टेंशन के, जिनको 11 किलो वोल्ट का सप्लाई ज़रूरी होता है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बस बार लगाएंगे, यहाँ पे एक बस बार लगाएंगे और उस बस बार के थ्रू यहाँ से एक फीडर निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे 11 किलो वोल्ट फीडर, और यहाँ से एक फीडर दे देंगे 11 किलो वोल्ट का फीडर, मतलब फीडर नंबर एक, फीडर नंबर दो। तो जो भी हाई लेवल के HT कंज्यूमर रहेंगे उनके लिए भी यहाँ से सप्लाई जाएगा, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ से हम फीडर के माध्यम से यहाँ से टैपिंग दे देंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो था हमारा ट्रांसमिशन लाइन का काम हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने देखा था ये जनरेशन डिपार्टमेंट, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट, अब यहाँ से जो आगे है ये लगेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। अब यहाँ से हम अपने हिसाब से जो भी हमें कंफर्ट लगे उस हिसाब से हम फीडर या बस बार के माध्यम से सप्लाई ले सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे कि 11 किलो वोल्ट का इस लाइन में सप्लाई है, तो यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे, और ट्रांसफार्मर लगा देने के बाद यह हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में क्या होगा कि 11 किलो वोल्ट का कन्वर्ट करेंगे 440 वोल्ट में, और इसी को हम घर में यूज़ कर सकते हैं, घर में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हो जाएगा, यहाँ पे कुछ थ्री फेज के कंज्यूमर है तो उनके लिए हम लाइन निकालेंगे RYB और एक न्यूट्रल, और सिंगल फेज के लिए R और एक न्यूट्रल, मतलब फेज और न्यूट्रल। तो इसी हिसाब से जिस कंज्यूमर को थ्री फेज का सप्लाई चाहिए उसको थ्री फेज का सप्लाई देंगे यही से डिस्ट्रीब्यूशन से, और जिसको सिंगल फेज का सप्लाई चाहिए उसको हम सिंगल फेज का सप्लाई दे देंगे। कहा, लेकिन कहाँ से, जो ट्रांसफार्मर हमने लगाया है 11 किलो वोल्ट का कन्वर्ट करेगा
440 वोल्ट में, उसी से हम थ्री फेज कंज्यूमर को थ्री फेज का सप्लाई देंगे, सिंगल फेज कंज्यूमर को सिंगल फेज का सप्लाई दे देंगे। इस डायग्राम को एक बार हम और रिकॉल करते हैं। जैसे सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है, क्वेश्चन इस तरह से पूछते भी है कि जनरेटिंग स्टेशन के पास जो पहला ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है स्टेप अप सबस्टेशन। और ये जो हमने 220 किलो होल्ट लगाया, जैसे ट्रांसमिशन में देखा था कि 33 किलो होल्ट, उसके बाद में 66 किलो होल्ट, उसके बाद में किलो होल्ट, 220 किलो होल्ट, 400 किलो होल्ट और 765 किलो होल्ट, इस तरह से जो लाइन यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज लाइन जो यूज़ करते हैं, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस सिर्फ 100 किलोमीटर का है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 220 का लगा दिए। अगर यही डिस्टेंस 1000 का रहता तो हम क्या करते, 765 का ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा लेते, तो हमारे ट्रांसफार्मर की संख्या भी यहाँ पे बढ़ जाती थी। लेकिन डिस्टेंस कम दिखाया हमने, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे 220 किलो होल्ट का स्टेप अप सबस्टेशन लगा लिया, जिसने कि 11 किलो होल्ट की इनपुट को 220 किलो होल्ट आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में जो लाइन है ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है, उसके बाद में जो ट्रांसफार्मर लगाया वह प्राइमरी सबस्टेशन है, उसी को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी सबस्टेशन, ये इसका नाम हो गया। उसके बाद में सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद में स्टेप डाउन सेकेंडरी सबस्टेशन। ट्रांसमिशन का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का काम यहाँ से चालू हो जाता है। यहाँ पे हमने बस बार लगाया, बस बार के थ्रू 11 किलो होल्ट का फीडर इस तरह से दिखा दिया, 11 किलो होल्ट का फीडर इस तरह से दिखा दिया, जो कि एसटी कंज्यूमर को हम देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक सब स्टेशन लगा दिया, इसको भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट के बाद या ट्रांसमिशन लाइन के बाद कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन भी कहते हैं। और क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन की रेंज कौन सी होती है, तो वो होती है 11 किलो होल्ट टू 440 होल्ट। किलो होल्ट नहीं, यहाँ पे सिर्फ होल्ट, किलो होल्ट मतलब हो गया है 11000 होल्ट, और 400 होल्ट मतलब हो गया 400 होल्ट। किलो का यूनिट मतलब इस तरह से हम दिखाते हैं। तो ये हमारा पावर सिस्टम का सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था, इस हिसाब से हमें पावर सिस्टम को पढ़ना है। जैसे जनरेशन डिपार्टमेंट है, तो मतलब जनरेशन था, तो जनरेशन में हमें टोटल 9 टाइप के जो पावर प्लांट है, टेन टाइप के जो पावर प्लांट है वो एक एक करके हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद में ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन करते समय, ट्रांसमिशन लाइन देते समय इसमें कुछ प्रोटेक्शन का भी पोर्शन आता है, तो उसको भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से लाइन हम लेते हैं, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, उसमें फीटर क्या होता है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है। उसके बाद में यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मतलब हम मान के चलते हैं कि एक हमारा लोड, मतलब किस तरह से लोड रहता है, लोड के भी टाइप रहते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लोड हो गया, कमर्शियल लोड हो गया, या रेजिडेंशियल लोड हो गया, इस तरह से। तो यूटिलाइजेशन में मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम किस तरह से कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही हमारा पावर फैक्टर चेंज होता है, तो उसकी स्टडी भी हमें यूटिलाइजेशन में करना है। डिस्ट्रीब्यूशन तक हमने देखा यहाँ पे, उसके बाद में यूटिलाइजेशन, तो यही हमें पावर सिस्टम में पढ़ना है, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। ये चार टॉपिक पे ही पावर सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं।